घर के पास का कनेक्टिंग चौक है जो कि त्रिकुटा नगर बहु प्लाजा की तरफ जा रहा है और ऊपर मार्बल मार्केट की तरफ जा रहा है। 3 BHK का टूप्लेक्स हाउस रहने वाला आपका, मोमटी सामने देख सकते हो, और मेरे लेफ्ट साइड पे ये कट दिया हुआ है और राइट साइड पे एक कट दिया हुआ है। ये वेंटिलेशन के दिए हुए घर वेंटिलेटरी रहे, लाइट वगैरह। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राकेश प्रॉपर्टी वाला। सो आज की वीडियो में जो घर हम दिखाने वाले हैं वो है त्रिकुटा नगर सेक्टर 1 के अंदर 4.5 मरले में ये घर बना हुआ है। डुप्लेक्स घर है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस 3 BHK। और आगे पीछे जो मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो, पूरा का पूरा वर्क जो है टाइलिंग का हो रखा है। स्टेयर्स के अंदर मार्बल दी गई है। घर की क्वेरीज के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाने वाली है, तो कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। स्पेशल मार्केट की बात करूं भैया, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। बाकी इस घर को जो कनेक्टिंग लग रही है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सबसे पहले तो अपना मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर आ गया, उसके बाद ग्रेटर ग्लास यहाँ पे साथ में ही है, गंग्याल का रास्ता यहाँ से साथ में ही बिल्कुल, और बहु प्लाजा का त्रिकुटा नगर के बीच में से कनेक्टिंग बहुत ही ज्यादा सही है, मतलब बहुत ही ज्यादा। और स्कूल्स आसपास हॉस्पिटल्स वो फैसिलिटी सारी की सारी अवेलेबल है। आप घर की तरफ ध्यान दो जो वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो भाई साहब, घर का जो फ्रंट का एलिवेशन देख सकते हो, ऊपर तक टाइलिंग की गई है, ग्रिलिंग हो रखी है फर्स्ट फ्लोर पे, और गेट देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और यहाँ से आप कोई भी गाड़ी ला के आप अंदर पार्क कर सकते हो इजिली। तो इस घर के बाहर 14 फुट की 14 फुट की गली रहने वाली है, और अपना आराम से कार वगैरह अंदर पार्क आ जाती है। ये बाहर से इस घर की लुक रहने वाली है। गेट देख सकते हो, आराम से यहीं से गेट के अंदर मेन एंट्री है, चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया, आराम से कार पार्क हो जाती है यहाँ पे। और सीढ़ियाँ जो मिलेंगी आपको वो बाहर से मिलेंगी आउटसाइड से, ताकि इन फ्यूचर रेंट पे भी आप इजीली दे सकते हो, रेंटल पर्पस के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। इस वक्त मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर के अंदर। एक बार आप आगे पीछे देख सकते हो, पहली बात तो वॉल पे पूरी दीवार पे ना सब जगह टाइलिंग हो रखी है, जितने कनेक्शन चाहिए हर जगह इलेक्ट्रिसिटी के बराबर कनेक्शन है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ ओपन किचन के अंदर। ओपन किचन आप देख सकते हो, एक अच्छे खासे स्पेस के साथ ओपन किचन बनाई हुई है, जिसमें आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका डाइनिंग टेबल के लिए आपको मिल जाने वाला आराम से। और इसी के साथ में वॉश बेसिन कनेक्ट है, ये देख सकते हो वॉश बेसिन, और अच्छा क्वालिटी की टैपिंग हो रखी है, और अच्छी क्वालिटी का वॉश बेसिन यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपको रूम की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो डोर का डिज़ाइन आप देख सकते हो यार, अच्छी खासी क्वालिटी का डोर वगैरह यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। और रूम के अंदर आके आपको एक बार दिखाता हूँ। पहली बात, रूम में जो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 कटआउट दिए गए हैं, एक ये वाला कटआउट, एक ये वाला कटआउट। और कटआउट किस लिए दिया जाता है, आपके रूम के अंदर प्रॉपर हवा, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर रोशनी पहुंच सके। और यहाँ पे दीवार पे देख सकते हो, 3 साइड पे तो लाइट वगैरह के कनेक्शन दिए हैं, ऊपर हमसे फैंस वगैरह के कनेक्शन दिए हुए हैं, बेसिक चीजें इंस्टॉल करी गई हैं। ये आपने रूम देख लिया था ये वाला, और इसी के साथ में ना वॉशरूम है, पूरी फुल दीवार तक टाइलिंग हो रखी है, टैप्स के कनेक्शन, शॉवर के कनेक्शन, गीजर वगैरह के कनेक्शन, वेस्टर्न शीट दी हुई है, और प्रॉपर जो कटआउट मैंने आपको दिखाया था ना वो सामने आप देख सकते हो, ठीक है। और एक थोड़ी अच्छी खासी स्पेस के साथ आपको वॉशरूम मिल जाने वाला है, और यहाँ पे अलग से एक वॉश बेसिन लगाई गई है, यहाँ पे टैपिंग हो रखी है। और एक चीज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि डोर के साथ में ये मैग्नेटिक डोर है, यहाँ पे जब कनेक्ट हो जाता है तो इसको खींचना पड़ता है ऐसे करके, ताकि डोर मूवमेंट जो है वो कम से कम रहे। दिखाना चाहता हूँ, जब हम ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ से ऊपर आए थे सीढ़ियों से,
तो ये आपका जो रहेगी ये पूरा का पूरा एरिया लॉबी का रहेगा भाई। बहुत ही ज्यादा ना स्पेशियस एरिया, घर का जो साइज है वो 4.5 मरले में है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस एरिया आपको मिल जाने वाला है। फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर लाइट्स वगैरह के कनेक्शन प्रॉपर है, टाइलिंग जो है कलरफुल टाइलिंग हो रखी है और एक डिसेंट कलर है। तो यहीं से आपको मैं आगे दिखा देता हूँ बाहर का एरिया। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए एक सर्दियों में सनलाइट का काम करेगा, आप यहाँ पे सन बाथ ले सकते हो आराम से। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया, कितना एरिया देख सकते हो, सीढ़ी के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो यहाँ से एक सामने अच्छा व्यू दिखाता है आपको, नज़र आता है वो देख सकते हो आप सारा का सारा। और आगे पीछे कमर्शियल मार्केट बिल्कुल किंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाने वाली है, और यहीं से ऊपर आपका इसके ऊपर छत आ जाता है, यहाँ से आप छत की तरफ जा सकते हो आराम। तो आम घरों में ना आप देख सकते हो स्टेयर के साथ ना लोहे की रेलिंग दी होती है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टील की रेलिंग दी हो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, किसी बंदे के लिए किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीढ़ियों के साथ होना। तो अच्छी खासी क्वालिटी की ये दी हुई है। मोंटी के अंदर आपको ना एक स्टोर मिल जाने वाला है, प्रॉपर अच्छा खासा स्पेशियस स्टोर, प्रॉपर दीवार तक टाइलिंग हो रखी है, नीचे भी टाइलिंग हो रखी है, और काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। आप जो घर का जो भी चीज़ें होती हैं वो आप आराम से इजिली स्टोर कर सकते हो इस जगह पे। और प्रॉपर चारों तरफ से लाइटिंग हो रखी है और लाइट्स के कनेक्शन वगैरह दिए गए हैं सभी के सभी। और यहीं से सीढ़ियाँ जो है नीचे की तरफ जाती हैं, और सबसे नीचे था ग्राउंड फ्लोर, उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, और ये आप मान के चलो कि छत वाला एरिया यानी कि थर्ड फ्लोर है। ये सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर की तरफ से, ये प्रॉपर टाइलिंग हो रखी है, और ये देख सकते हो आप नीचे भी पूरा टाइल वर्क हो रखा है, और ऊपर लाइट वगैरह के कनेक्शन प्रॉपर दिए हुए हैं, और अच्छी खासी स्पेस है, एक लॉन, बच्चों की खेलने के लिए जगह है, और अपना अच्छा खासा स्पेस है। तो भैया जैसे ही आप गेट से बाहर एंट्री की तरफ होते हो ना अंदर की तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ी SUV कार पार्किंग का स्पेस है। आप देख सकते हो ये कितनी सारी स्पेस है, बड़ी आराम से गाड़ी ब्लेरो स्कॉर्पियो आराम से इजिली आपकी पार्क हो जाती है अंदर। ये देख सकते हो आप गेट का साइज देख सकते हो कितना बड़ा, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गेट जो है इंस्टॉल्ड हो रखा है, और स्पेस देख सकते हो। यहीं से ऊपर की तरफ बारों बाहर से सीढ़ियाँ, मैक्सिमम घरों में अंदर की तरफ से होती है ना, लेकिन यहाँ से आप कल को इन फ्यूचर रेंट पे दे सकते हो बारों बाहर की सीढ़ियाँ। और यहाँ पे एक वॉशरूम है जो आप सामने देख रहे हो, ये वाला सीढ़ियों के नीचे सिर्फ खाली वॉशरूम है, और नीचे अच्छी खासी स्पेस है सीढ़ियों के नीचे। और ये आगे मेन डोर की एंट्री, यहाँ देख सकते हो आप ऊपर प्रॉपर लाइट्स वगैरह के कनेक्शन दिए हैं, और मेन पॉइंट वो चीज़ है। और यहाँ से अंदर आपको लेके चलता हूँ मैं, ये एक जाली वाला डोर आ गया, प्लस ये आ गया बड़ा डोर मेन डोर, आ जाओ अंदर आ रहे हैं। पहले ना इंटर होते ही आपको मिल जाने वाला डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया के साथ में एक रूम मिल जाने वाला है। डाइनिंग एरिया का भी स्पेस नॉर्मल स्पेस है, ठीक है, इसके साथ में एक रूम मिल जाने वाला है। ये डाइनिंग एरिया से आपकी एंट्री रहने वाली है, ये देख सकते हो, बाकी डबल डोर एंट्री है अंदर की तरफ से, लॉबी की तरफ से भी यहाँ पे मिल जाने वाली है, और ऊपर लाइट्स वगैरह का कनेक्शन देख सकते हो आप प्रॉपर हो रखा है। तो आओ अंदर किचन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। किचन बड़ी सही लगी मेरे को, डिसेंट मॉड्यूलर किचन लगी, बॉक्सेस सब कुछ बन रखे हैं ऑलरेडी, ये नीचे देख सकते हो सारे के सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, टाइलिंग प्रॉपर दीवार तक वर्क हो रखा है, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी है, और ये आपको आपका सामान रखने के लिए डोर्स दिए गए हैं प्रॉपर, एक अच्छी लुक के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ, और बाहर की यहाँ पे कटआउट दिया गया जो बाहर की लाइट अंदर की तरफ एंट्री हो रही है। नीचे जो था 2 BHK का सेट था, यानी कि 2 रूम प्लस 2 वॉशरूम आ रहे थे। पहले वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, वेस्टर्न शीट के साथ ये वॉशरूम आपका रहने वाला है, और इसके साथ में वॉश बेसिन है बाहर की तरफ, और प्रॉपर सारे के सारे गीजर्स वगैरह के कनेक्शन, शॉवर्स वगैरह के टैप्स वगैरह दी गई हुई हैं। और ये आ गया वॉश बेसिन वॉशरूम के बाहर एक छोटा सा, और ये साथ में आ गया आपका पूजा रूम देख सकते हो आप, और पूजा रूम के साथ ही डबल कट के साथ आपको मिल जाने वाला है एक रूम, और बहुत ही बेहतरीन कट है, ये देख सकते हो आप, एज ए स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हो इसको, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है ये जगह, यानी कि नीचे वाले फ्लोर का आपका जो भी सामान वगैरह रखना रहेगा होगा वो आप यहाँ पे रख सकते हो आराम से। और ये देख सकते हो रूम्स वगैरह आप, ऊपर प्रॉपर लाइट्स वगैरह के कनेक्शन दे रखे हैं, सब कुछ हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह रखी है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वगैरह प्रॉपर लग जाए, एक अच्छा खासा सोसाइटी है और अच्छा खासा एरिया है, स्मार्ट मीटर वगैरह लगे हुए हैं गली में प्रॉपर। और ये रहा हाउस आपका, घर के बाहर 10 मीटर की गली है, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग वाली 20 फुट की रोड, डबल कार पास हो जाती है, इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन या घर पे कोई भी फंक्शन बड़ी गाड़ी इजिली आपके घर तक पहुंच जाती है।